Hey guys, welcome back to my YouTube channel. वैसे thumbnail से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। तो यार एक्चुअली ना मेरा फिजिकल वर्क बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल बेकार हो रखा है इस टाइम। ऑफिस का काम, बैठ के फिर खाना सोना, यही मतलब नेटफ्लिक्स चिल तो ज़्यादा ही चिल हो गई लाइफ में। तो बहुत मतलब अब ना हैवी फील होने लगा बॉडी को, फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी लास्ट टू ईयर से बिल्कुल खत्म हो रखी है। तो इसलिए मैंने उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए ये स्टेप लिया और ये लेने की सोचा। तो चलते हैं अब डायरेक्ट शॉप पे, मिलते हैं आपको। यार गाइस मुझे ये वाली पसंद आ रही है, पतले टायर है, मतलब ऐसे रेस वगैरह, मतलब रेस तो वैसे कहाँ ही करूँगा लेकिन भागी ही सही, थकने का कम होगा, लाइट वेटेड है काफ़ी, तो चलाने में भगाने में मज़ा आएगा इसे। लेकिन पापा बोल रहे हैं ये वाली लेने के लिए, जो नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल टायर, जो बेसिक टायर होता है, और मैंने ली थी इसमें से, इस सेगमेंट में से। ये नियॉन कलर की थी और मैंने ली रेड कलर में, लेकिन इससे थोड़ी हैवी है मेरी। मेरे को दो साइकिल पसंद आई थी, ये वाली मतलब इस सेगमेंट में जो रेड कलर की थी वो, वैसे ये मुझे नहीं पसंद पर्सनली, लोग आते हैं स्टाइलिश के लिए लाइवल वाली, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद। ऐसे टायर वाली जो बेसिक नॉर्मली ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। अब मेरे को दो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, वो उसमें से या पतले टायर वालों में से, देखते हैं कौन सा फाइनल होती है। तो हे गाइस, फिर अपने रेड बीस्ट को अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है। तो गाइस ये है रेड बीस्ट जैगुआर कंपनी की, वैसे जैगुआर नहीं, बिसॉन कंपनी की है ये, और एज ए जैगुआर मॉडल है इसका। तो इसका मैं थोड़े से आपको पहले फीचर्स बताता हूँ। 21 गियर्स है इसमें, दोनों ड्यूल साइड ब्रेक है, दोनों ड्यूल साइड डिस्क ब्रेक है, फ्रंट एंड रियर ब्रेक दोनों डिस्क है इसमें। और इसकी वैसे खासियत ये चीज़ें नहीं है, इसकी खासियत है इसके टायर्स। यस, इसके आप देख ही रहे होंगे, जैसे देख पा रहे होंगे कि इसके जाइंट टायर्स इसकी खासियत है। और इसकी लुक है ना, जो जब ये सड़क पर चलेगी ना, लोग मुड़ मुड़ कर देंगे। जो आप ऐसे स्टिकर देख रहे हो, ये जैगुआर, इसमें बताया था जैगुआर कंपनी मॉडल है इसका, बॉसिन कंपनी की मॉडल है जैगुआर। और ये ना गजब ढाने वाली है सड़क पर चलते टाइम, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसे मुड़ कर ना देखे। और इसके टायर्स देख रहे हो, इसके टायर्स मेरी स्कूटी से भी ज़्यादा मोटे हैं। वैसे ये हाईवे वगैरह या आप कहीं रेसिंग वगैरह के लिए या मॉर्निंग के लिए ज़्यादा लंबे रूट के लिए नहीं प्रेफर कर सकते आप इसको, या आपके अपने आसपास छोटे मोटे एरिया के लिए और लोकल एरिया के लिए प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा चला नहीं पाओगे, थोड़े मोटे टायर होने की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं चला पाओगे, थक जाओगे जल्दी। लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होंगी अगर आप इसको चलाओगे तो। और इसकी लुक, या लुक तो मतलब क्या ही बोलूँ, उसकी लुक इतनी खतरनाक आ रही है इसकी लुक, कि मुझे तो, मैं खुद बार बार फोटो देख रहा हूँ इसके, सीरियसली यार बहुत अमेजिंग लुक है इसकी। सड़क पे जाओगे ना, नोटिसेबल बाइक है यार ये। तो फिर चलते हैं सड़क पर बाहर और देखते हैं कि इसका सड़क पर एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जिस पर्पज से लिए थी उस पे कैसे ये यूज़फुल है या नहीं। तुम सड़क की हालत देख के समझ ही गए होगे कि मैंने इतने मोटे टायर की साइकिल क्यों चूज़ की, या ना कि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इसलिए ली थी मैंने ये साइकिल, ताकि धचकिया और गड्ढे कम फील हो। इसके साथ वो लसी ना, फटे तो फटे, नवा भी ना घटे, हालत खराब होगी खींचने में से, बहुत भारी साइकिल आ रही है। नॉर्मल अगर आप डेली से आने हो तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ कर लोगे अपना। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अपने लोकल एरिया और अपनी सोसाइटी के लिए चलाने के लिए बेस्ट है ये, इसकी लुक बहुत बहुत अमेजिंग है। और ये ऐसे आपको अगर थोड़ा हेल्दी हो तो आपका कैलरीज और वेट बर्न बहुत जल्दी करेगी।